आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बहराइच में हो रही बरसात के कारण घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते आसपास के इलाके में रहने वालों की चिंताएं बढ़ गई हैं, तो लोग बाढ़ के डर से सुरक्षित स्थान की तलाश में जा रहे हैं। साथ ही इसके चलते प्रशासन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी गई है। वहीं जिन ग्रामीणों के मकान और खेत कट रहे हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। हमारे स्तर से प्रयास किया जा रहा है कि उनको बुलाया जाए। कल अखबार को बुलाया था, उसका कागज वगैरह देखा, बंदे की इस तरफ कोई ज़मीन नहीं है गांव सभा की। फिर जो हमने सीएम से भी बात किया, इधर जो है चकबंदी में गांव है चूँकि आबादी छुड़वाएँ ताकि उनको बचाया जा सके। और दो साल पहले जो है शासन को गया था जो है ज़मीन खरीदने के लिए, अभी उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पुनः जो है कल जो है प्रधान से कहा गया था, उन्होंने 8-10 लोगों का नाम दिया जो ज़मीन बेचने वाले हैं, उनको बुला करके जो है उनका एग्रीमेंट कराया जाएगा। एक साल के बाद फिर उसको लगा करके डीएम साहब को रिपोर्ट दिया जाएगा, डीएम साहब शासन को भेजेंगे, बजट आएगा, सेंक्शन आएगा, तो ज़मीन खरीद करके उनको बताएंगे। हरदोई में मुलायम सिंह के करीबी पम्मू यादव जो सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तो अब उन्हें एंटी भू माफिया के तहत चिन्हित कर प्रशासनिक कार्यवाही का निशाना बनाया गया है, तो उन्हें प्रशासन को ही चुनौती दे दी। यह सब उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहा कि प्रशासन अपनी कार्यशैली को ठीक कर ले, अन्यथा डीएम एसपी को अपने दफ्तर में नहीं बैठने देंगे और कार्यालय में ताला जड़ देंगे। वहीं उन्होंने अपने मुकदमे वापस लेने की बात को भी कहा। मैंने 17 जुलाई का समय तय किया है कि 17 जुलाई को तक अगर हमारे इन मामलों में जो 100% झूठे अगर राहत नहीं प्रशासन देता है, तो हम 17 तारीख को जिलाधिकारी और एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। और चूँकि जिलाधिकारी ने ये जानते हुए कि पम्मू यादव एक राजनीतिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, बगैर पूरी जाँच पड़ताल करे, बगैर जो उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा लिखाया है, उससे मैं आहत हुआ हूँ, मेरा मानसिक उत्पीड़न हुआ है, जिसको संबंधित लेके मैं न्यायालय में मानहानि का मुकदमा भी जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी के ऊपर लगता हूँ। मथुरा की रहने वाली आरती चौधरी ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिफिक ऑफिसर की परीक्षा पहले ही प्रयास में तीसरा रैंक प्राप्त कर अपना ही नहीं बल्कि घर वालों सहित पूरे ब्रज का नाम देश में रोशन किया है। तो वहीं उसकी इस सफलता पर उसके घर वाले बहुत खुश हैं, तो उन्होंने कहा कि आरती शुरुआत से ही मेधावी रही है। ये कामयाबी मेरे पूरे परिवार वालों की वजह से ही मिली है, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं शायद इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। किस तरह से सिलेक्शन हुआ आपका? पहले इसका रिटन एग्जाम था, वो क्लियर हुआ, उसके बाद इसका इंटरव्यू था जो मुंबई में हुआ था। अब आगे क्या करने की उम्मीद? आगे अभी एज अ साइंटिफिक ऑफिसर अभी एक साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे जाके फिर बाकी पूरी लाइफ इसी में, फिर आगे अगर आईएएस ऑफिसर का हुआ तो शायद इसकी तैयारी करूँ। मथुरा के गोवर्धन में चल रहे मुड़िया मेले में दो श्रद्धालुओं की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ही अलग अलग प्रांत के रहने वाले हैं जो अपने मित्र और परिजनों के साथ गिरिराज की परिक्रमा करने आए थे, तो वहीं एक मृतक श्रद्धालु के परिजन ने पुलिस प्रशासन पर सहयोग न करने का आरोप भी लगाया। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में तैनात सिपाही की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई, तो पुलिस ने सिपाही का शव फंदे से लटका बरामद किया। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की है, तो एसपी ने पोस्टमार्टम के आधार पर कार्रवाई की बात को कहा है। हाथरस के लाडपुर में खाना बनाते समय महिला गंभीर रूप से झुलस गई, तो वहीं उसके पड़ोसियों की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां महिला का उपचार जारी है। बताते हैं कि घरेलू गैस चूल्हा से गैस लीक हो गई, जिसमें हादसा पेश आया। मुजफ्फरनगर में मरीजों को 108 एम्बुलेंस का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते बगरा में जब मरीजों को डॉक्टर ने मेरठ रेफर किया तो एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाई। सीतापुर के रेउसा में ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने ब्लॉक परिसर में अंत्योदय मेले के चलते जनहित योजनाओं को जनता को बताया, तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते मकानों का वितरण भी किया। श्रावस्ती के गिलौला में एक चाय की दुकान में अचानक कोबरा निकल आया, जिसको देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए, तो वहीं सपेरे ने इस सांप को पकड़कर बाहर छोड़ा।
उत्तराखंड सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर पहुंचाने के लाख दावे करती हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। यहां सिविल अस्पताल के दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं, जहां गर्भवती महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहां डॉक्टरों की लापरवाही के चलते अस्पताल में डिलीवरी भी नर्स और आशा ही देखती है। तो अस्पताल प्रबंधन की वजह से यहाँ बेड पर कुत्ते भी आराम करते दिख जाते हैं। हमने तो यहाँ से दो महिला चिकित्सा अधिकारी पर स्थानांतरण हो गया है, दोनों को रिलीव कर दिया गया है, और तीसरी जो डीजीओ हैं वो पिछले 3 महीने से अनुपस्थित चल रही हैं, उनको भी 2 बार लेटर इशू किया जा चुका है कि आप आए हैं नौकरी ज्वाइन करें यहाँ पर तुरंत, परंतु वो नहीं आ रही हैं। इस संदर्भ में हमने बता दिया, डीजी को लिख के भेज दिया है कि महिला विंग हमारी यहाँ पूरी बंद हो गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई महिला चिकित्सा अधिकारी हमारे पास नहीं है जो डिलीवरी या ओपीडी करा सके। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।